नमस्कार, घटनाचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस समय सियासत जो है वो जमकर के हो रही है, और खासतौर से जो बवाल मचा हुआ है वो दो मुद्दों को लेकर के मचा हुआ है। बीएसपी की मेयर मेरठ के अंदर कहती हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है वंदे मातरम गाया नहीं जाएगा, उस दौरान वंदे मातरम का फिल्मी गीत बजता है, और एक तरीके से स्थिति बीजेपी और बाकी पार्षदों के बीच में जूतम पैजार की हो जाती है। तो ज़बरदस्त हंगामा वहाँ पर देखने को मिला, उस पर सियासत भी हो रही है। और दूसरी खबर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण का संज्ञान लेते हुए फैसला दिया, और ये कहा गया कि तमाम जगहों पर जो लाउड स्पीकर हैं वो बिना जो है इजाज़त के नहीं बजाए जाएंगे। अब इसको लेकर के योगी सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि तमाम जिलों को, के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पता करें कहां कहां पर जो है इस तरीके से बिना इजाज़त के लाउड स्पीकर बज रहे हैं। इसको लेकर के भी तमाम तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। आजम खान कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, उसके बाद मंदिरों से हटाए जाएं। क्या कुछ कहा गया शंकराचार्य की तरफ से, वो जरा सुन लेते हैं। हमारा ये कहना है कि लाउड स्पीकर किसी बनाया गया, आवाज को कई बनाने के लिए बनाया गया जी। तो अगर उसका प्रयोग होता है और ऐसे समय पर होता है जिससे किसी को क्षति नहीं है, तो इसको हमेशा के लिए रोकने की आवश्यकता है। और अगर इसलिए आप कर रहे हैं कि हिंदू लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, तो ये सब भी लागू होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। हमारे साथ शकीलुज्जमान अंसारी साहब मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप एटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, जिस तरीके से पहले शुरुआत आपसे कर रहे हैं, और खासतौर से अगर लाउड स्पीकर वाले मसले पर देखा जाए तो कई तरह की टिप्पणियां आई हैं, और खासतौर से सपा बसपा और कांग्रेस से कहा जा रहा है कि नियत योगी आदित्यनाथ की ठीक नहीं है, इस वजह से इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अब मामला हाईकोर्ट का है, अब हाईकोर्ट के फैसले को वो अमली जमा पहना रहे हैं। अभी इस पर और हंगामा होगा आने वाले दिनों में जब जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा सरकार की तरफ से। तो देखिए, एक तो कोर्ट के द्वारा और सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार किस तरह से करती है। लगातार सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस मामले को सियासी चश्मे से ना देखें, लेकिन सवाल है कि जो बयान है, जो इसका असर है, वो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, और वो चूंकि वहाँ धर्म का, वहाँ इन्हीं पूरे देश में धर्म का जो सियासत में इस्तेमाल होते रहा है, आज से नहीं, हिंदुस्तान के सियासत में मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से हम देखें या आज़ादी के पहले भी कि इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पहले आज़ादी के लड़ाई के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ, बंटवारे के लिए भी इस्तेमाल हुआ, और फिर उसके बाद सत्ता की सियासत के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए इसका इस्तेमाल होते रहा है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना ही नया है कि भाई एक कोर्ट के ऑर्डर को आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो एक पक्ष है। और दूसरे तरफ से जो मेरठ के निगम पार्षदों में अब वंदे मातरम को लेके इस तरह से जो एक दूसरे के सामने जो भिड़ गए हैं, अब ये भिड़ने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो भी पार्षद हैं, जिनको अगर किसी को बहुत सारे पहले भी देखे हैं कि जिनको नहीं है वो खड़े हो सकते हैं, चुप हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा मामला ऐसा है कि जिसपे सियासत करके अपने वोट को, अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने को लेके है मसला। तो जो बीएसपी के लोग कर रहे हैं वो भी सियासत कर रहे हैं, जो दूसरे तरफ से जो लोग कर रहे हैं कि भाई वंदे मातरम नहीं तो फिर क्या, तो ये पूरा मसला अब चूंकि 2018 में जी कई राज्यों में चुनाव है, और कई राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। टेलीविजन और इंटरनेट के इस युग में जब आप इस तरह के मुद्दों को सामने लेके आते हैं तो जाहिर है इससे सामाजिक जो पोलराइजेशन है, वोटर का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसका विरोध है, उसका समर्थन है, वो निकलता है। तो मुझे लगता है विशुद्ध रूप से भारत में एक सियासी, जैसे कहते हैं, वो ये पूरा एक रणनीति के तहत हो रहा है। मैं इसको स्वाभाविक नहीं देखता हूँ। स्वाभाविक नहीं देखते हैं उपेन्द्र जी, ये जो दोनों मुद्दे हैं, एक तरीके से
सुनीता वर्मा जो मेयर हैं बीएसपी से मेरठ की, वो कहती है नहीं वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वंदे मातरम गाना होगा और उसके बाद फिल्मी गाना बजता है और वंदे मातरम का उसको लेकर के हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर का मसला है जिसको लेकर के कोई कह रहा है पहले मंदिर से हटाओ, कोई कह रहा है मस्जिद से हटाओ, अब इसको लेकर के भी सियासत हो रही है। देखिए दोनों मामला अलग अलग है। बिल्कुल, ये जो लाउड स्पीकर का मामला है वो है पोल्यूशन से संबंधित है और उसमें इमोशन भी है लेकिन पोल्यूशन ज्यादा है। तो उस पोल्यूशन को देखते हुए हमें लगता है कि एक सरकार को एक राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए कि धार्मिक उत्सवों के कारण या धार्मिक आयोजनों के कारण जो भी प्रदूषण हो रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है और ये साल भर की समस्या है, खासकर महानगरों की समस्या ज़्यादा है और ये झगड़े भी महानगरों में ही होते हैं, गाँव में नहीं होते हैं। तो एक राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए और जहाँ भी प्रदूषण हो और आस्था हो तो आस्था के ऊपर प्रदूषण को स्थान देना चाहिए। सारी तरह के प्रदूषण होता है, अब देखिए वायु प्रदूषण होता है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कितना कंडेम किया गया वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सभ्य समाज को ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि ये लोग जो भी सुप्रीम कोर्ट का ये कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, वो लोग असभ्य लोग हैं, ये लोग समाज के शिष्ट लोग नहीं अशिष्ट लोग हैं, आप कह सकते हैं लोग दुष्ट लोग भी हैं, वे सुप्रीम कोर्ट कह रही है और आपके भले के लिए कर रही है। तो जो प्रदूषण का मामला है फिर सिर्फ लाउड स्पीकर से रिलेटेड नहीं है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा है उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे आगे जाकर के एक राष्ट्रीय आम सहमति निर्मित करनी चाहिए कि सभी तरह के सवाल उठता है कि आप यहाँ पर दूध की कमी हो रही है, आप हैं कि भोले बाबा पर दूध डाले जा रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख लीटर डाला जा रहा है, बर्बादी है। जब बहुत आया तो दूध था, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होता था तब तो ठीक है, लेकिन अभी है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ के दूध बर्बाद किए जा रहे हैं, आप है तेल बर्बाद किए जा रहे हैं, शनि देवता पर तेल चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब जो वेस्टेज हो रहा है या जो दुर्गा पूजा ये सब के जो भसान के समय जो पॉल्यूशन होता है, तो सब पर एक एक करके सब पर ध्यान करके एक कमेटी बनानी चाहिए, एक कमीशन बनाना चाहिए हम कहते हैं, और उसको सुपुर्द करना चाहिए कि भाई कोई भी हम जो हमारी जो परंपराएं हैं तो कोई भी परंपराएं ऐसी नहीं इसको नहीं बदली जा सकती है, खास करके जो परंपरा हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो जाए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो रही है कोई परंपरा, तो उस परंपरा को हम हाथ से हाथ एक हटा देंगे उसको, क्योंकि हमारा सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री में जो सेकुलर नीड्स है वो ज़्यादा जरूरी है, आस्था भी जरूरी है, लेकिन आस्था के आधार पर हम वेस्टेज को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आस्था के आधार पर हम प्रदूषण को नहीं ठीक प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक मामला है, इसका मैं समर्थन करता हूँ, कोर्ट ने जो किया है और इकट्ठे सभी पर बैन कर देना चाहिए, उसमें पहले आप नहीं सारे पर बैन कर दें, कंप्लीट बैन कर दें। जब लाउड स्पीकर नहीं था उसमें भी लोग पूजा पाठ करते थे, उसमें भी लोग अजान पढ़ते थे, उसमें भी और दूसरी धार्मिक गतिविधियां होती थी, धार्मिक आयोजन होते थे, कीर्तन भजन होते थे, हमारा पूरा जो भक्ति मूवमेंट है वो कीर्तन भजन का मूवमेंट है। तो उस समय तो लाउड स्पीकर नहीं था, सूफी मूवमेंट भी है, तो वो जो सूफी का हो गया भक्ति का हो गया, तो इन लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हमें लगता है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उसको बैन कर ही देना चाहिए, पहले वो सवाल चलिए वंदे मातरम में फिर दोबारा आते हैं आपके, जो एक टिप्पणी शकील साहब से ले लें। शकील साहब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के, क्योंकि अब इस पर सियासत तो हो रही है, अब उपेंद्र जी कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, एक साथ सब पे बैन लगा दीजिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इस पर राजनीति किस तरीके से होगी और किस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जगहों पर जो कैंपेन चलेगा, लोग भी डरते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी डरती हैं इससे। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है हाईकोर्ट के जजमेंट का संबंधित और जजमेंट आया है, अब उसको ट्विस्ट करके सिर्फ मजहबी स्थानों पर ले जाना वो भी तो उचित नहीं है। शादियां होती हैं, रात रात भर कैसेट बजते हैं, पूरा हंगामा होता है, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर बड़े रात भर बड़े लाउड स्पीकर नहीं उसके बड़े बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया था, तो इसको टोटेलिटी में देखना चाहिए। और इल्जाम नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज टोटलिटी में नहीं देख रही, वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे को ही देख रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पॉलिटिक्स है ना, साउंड पॉल्यूशन के लिए अगर कोई मस्जिदों के बगल में
क्या कहता है शादी हो रही है, मंदिरों के बगल में शादी हो रही है या हॉस्पिटल के बगल में शादी हो रही है, तो उनको इस बात का भी ख्याल नहीं कि मरीज हैं और सब शादी ब्याह के जो कैसेट हैं वो बज रहे हैं। तो अगर आप इसको पक्षपात के नजरिया से देखिएगा तो वो ठीक नहीं है। पॉल्यूशन होता है, पहले कॉरपोरेशन का एक्ट था, अब पता नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं, वो तो देश के लिए यूनानिमस एक्ट था कि 10 बजे रात से लेके 5 बजे सुबह 6 बजे सुबह तक कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा, ना पॉलिटिकल पार्टी में होगा, ना हरि कीर्तन के लिए होगा, ना अजान के लिए होगा, ना शादी में गानों के कैसेट के लिए बजाया जाएगा और ना कोई पॉलिटिकल या सामाजिक तकरीर के लिए होगा। तो वो बंद था, तो अब वो सिस्टम कानून रहते हुए भी उसको प्रभावी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता धर्म के नाम पर मस्जिदों में लगे, मंदिरों में लगे और हरि कीर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, जहां हो रहा है ठीक बोला उपेंद्र जी ने, पहले भी तो धार्मिक आस्थाएं थी जब नहीं था लाउड स्पीकर सिस्टम, बल्कि लाउड स्पीकर सिस्टम का ये धार्मिक आस्थाओं ने काफी विरोध भी किया था शुरू में, जिस बताया था कि नहीं नहीं धार्मिक कार्य जो है लाउड स्पीकर पर संपन्न करना जायज नहीं है, सही नहीं है, ये भी था। तो हम समझते हैं कि टोटलिटी में इस बात को देखना चाहिए। अब पहले आप में योगी सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है वो पॉलिटिकल उद्देश्य से करना चाहती है, पक्षपातपूर्ण तरीके से करना चाहती है, इसलिए सवाल ये कैसे तो अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो ये पहले से आपने कैसे अज्यूम है ना, पहले भी और कई चीजें ऐसी हो चुकी है, जैसे कई चीजें ऐसी हो चुकी हैं। अब जैसे कि अब लिस्ट दूसरी तरफ डिबेट चला जाएगा, अगर शंकराचार्य जी को यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि पहले मस्जिदों से हटाया जाए, ये भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, हिस्सा है। अरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कह दिया दोनों जगह से एक साथ हटा लो, एक दिन हटा लो, एक मिनट में हटा लो, लेकिन पहले आप ये भी राजनीति है और इसके बाद वो धर्म की राजनीति में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही पक्षपात है कि अगर ये पॉल्यूशन के लिए अगर कोई जजमेंट आया तो उसमें आप धर्म पर कंसंट्रेट कर दिया, दूसरे सारे ऑप्शन को आपने बंद कर दिया, एक्ट को कानून को बंद कर दिया जो कॉरपोरेशन एक्ट फॉर हिंदुस्तान भर के लिए था। पर इस मुद्दे को तो उठा सपा कांग्रेस बसपा ही रही है, क्योंकि ये तो इंप्लीमेंट अब गवर्नमेंट को करना ही होगा। दिलीप जी, अब इसको लेकर के आपको लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में जब इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा असली जो है राजनीति तब शुरू होगी, क्योंकि सबकी नजरें स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, इन तमाम जगहों पे नहीं है, सबकी नजरें लगी हुई है कि पहले लाउड स्पीकर मंदिर का हटाया जाएगा या मस्जिद का हटाया जाएगा। नहीं, सवाल मंदिर और मस्जिद का तो है ही नहीं, सवाल तो है जिस तरह से साउंड पोल्यूशन होता है, लेकिन जिस तरह से किया जाता है और जिस तरह से उस पर सियासत शुरू होती है, जिस तरह से सियासी जलसे होते हैं, शादी विवाह होता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, तमाम तरह के जलसों में अगर आप देखेंगे और जिस स्केल पे अब होता है तो वो एक बहुत इस तरह से चीजें होती हैं जिसमें बहुत ही साफ आपको चीजें नजर आएंगी कि इसका लेना देना जो है, असल में अगर पूरे डिटैच होके देखें तब तो इसका कोई मतलब ही, इस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते शायद, ये पूरा मसला ही है चूंकि उस पर सियासी बयानबाजी होनी है, सियासी पोलराइजेशन होना है, और प्रदूषण का जो सबसे बड़ा जड़ है, सोर्स है, वो तो पॉलिटिक्स है। अगर पॉलिटिक्स प्रदूषित नहीं होता तो ये प्रदूषण की समस्या भी नहीं होती देश में, कई तरह के प्रदूषण से तो आपको मुक्ति मिल गई होती। तो मुझे लगता है मूल कारण जो है उसका वो भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स मतलब नॉट यूनाइटिंग पॉलिटिक्स बट नॉट गुड पॉलिटिक्स बट द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक, पॉलिटिक्स ऑफ पावर, जो पावर पॉलिटिक्स जो है वो है, और उसके पीछे है कि हाउ डू यू गेट द मैक्सिमाइज योर गेन बाय डिवाइडिंग पीपल। तो कौन कौन सी वो चीजें हो सकती है, कोई लोग पीआईएल लेके पहुंचते हैं जो उपेंद्र जी कह रहे हैं, सबको पता है दिल्ली में आप कई इलाके में जाएंगे रात रात भर 11-12, आप धार्मिक स्थानों को छोड़ दीजिए, जो पार्टियां और डीजे जिस तरह से यहाँ पे कई रिहायशी इलाकों के बगल में बाजार है या पब्स हैं या चीजें हैं, वहां पे आप देखिए दिल्ली में, आप लखनऊ में, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, गाजियाबाद, नोएडा बाद आप चले जाइए, वहां पे देखिए किस तरह का साउंड पोल्यूशन है। तो साउंड पोल्यूशन एक बड़ी समस्या आप आज बनके है, लेकिन हम पोल्यूशन पे बात नहीं कर रहे, हम जो जिस प्रदूषण पे बात कर रहे हैं वो सियासी प्रदूषण है, और ये सियासी प्रदूषण का जो जड़ है वो है कि आप जैसे अब जैसे इसको आप कैसे देखेंगे, ये तो एक कोर्ट का ऑर्डर है। अब वंदे मातरम जो आजादी का स्लोगन रहा हो,
जिस 1905 में जब बंगाल डिवीजन हुआ विपुल, तब वहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी भारत के थे तमाम लोगों ने स्लोगन के साथ इसकी शुरुआत की थी। अब वो हिंदू और मुसलमान कैसे हो गया, कब हो गया, ये पता नहीं चला। कांग्रेस पार्टी उस समय 1905 में जब बंगाल डिवीजन के बाद इसकी पूरी वहीं से शुरुआत हुई, पॉपुलर वहीं से हुआ है। और आज जब हम 2017 में 100 साल से ऊपर हो गए, अब इसको एक मजहब से जोड़ के, धर्म से जोड़ के, मजहब और धर्म से जुड़ा हुआ मसला ही नहीं है ये, इसको बुनियादी रूप से पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से प्रदूषण पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण को भी वहीं से जोड़ दिया गया है। तो जब तक पॉलिटिकल प्रदूषण को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, इस पॉलिटिकल प्रदूषण को किस तरह, उसके लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। उससे आधी समस्याएं हमारी है भाई, आयोग बनाइए। नहीं नहीं, आयोग तो बना देंगे, आपने तो कई सारे आयोग बनाए हुए, आप भी एक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, आप जानते हैं कि आयोग तो बहुत काम हुआ है ना, बहुत सारे आयोग के रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट जो है उसको कहां ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नहीं, आप चाहते फिर क्या है, चल चल, तो चाहते हैं कि जो सियासी लोग हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जैसी पार्टी, पॉलिटिकल पॉल्यूशन कैसे दूर होगा, जब ये होगा कि पहले मस्जिद से हटाया जाए, कोई कहे कि नहीं पहले मंदिर से हटाया जाए, और आप पॉलिटिक्स पॉल्यूशन की कहानी को आप एकदम अलग कर दिया, मस्जिद ही मंदिर में रख दिया, गुरुद्वारा में रख दिया, अरे पॉल्यूशन तो और जगह हो रही है ना, पहले उसकी बात तो कहीं हो नहीं रही है, तो मस्जिद और मंदिर के झगड़े खड़े हो गए फौरन। तो वो तो विपक्षी आरोप लगा है ना, सरकार तो टोटलिटी में इंप्लीमेंट करेगी, नहीं टोटल करेगी ये ना, हाँ। आप सोच रहे हैं, कर नहीं रही है ना सरकार, तो राजनीति कर रही है ना। इससे पहले भी जब ये केस आ चुका है तो उस वक्त भी यही मसला हुआ था कि मस्जिद से हटाया जाए, यही चीफ मिनिस्टर एमपी थे, मस्जिद से लॉर्ड स्पीकर हटाने के खिलाफ उनकी मुहिम चल चुकी है, इसलिए शक के दायरे में सरकार है। नहीं, शक के दायरे में स्टेट होम डिपार्टमेंट ने जिलाधिकारियों को ये डिमार्केट करने के लिए कहा कि आप सर्वे करिए पहले, कमर्शियल जोन और रेजिडेंशियल जोन दोनों को अलग अलग देखिए, और सर्वे करने के बाद जो सीरियल नंबर लाउड स्पीकर का होगा उसको नोट डाउन करके इस ड्राइव को शुरुआत करिए। तो फिर इसमें धार्मिक मसला कहां से आता है, सवाल ये, आपका डिबेट ही धार्मिक शुरू कैसे कर दिया, आपने धर्म से शुरू करा दिया, ये तो आप कर रहे हैं। अच्छा, ये मामला जितना आप बोल रहे इतना इजी है, तो ये डिबेट की भी जरूरत नहीं है, डिबेट की जरूरत है कि आप इसको आप लेटेस्ट आप नहीं, कांग्रेस ने या किसी ने ये कहा है कि टोटलिटी में आप कोई पक्षपात किए बिना इस सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो करना चाहिए वो कहती नहीं है, जो कहना चाहिए वो सोचती नहीं है, और जो सोचना है उस पर वो बातचीत नहीं, कि वो तो पूरे चीज आप उसको ड्राइव ही करते हैं अलग तरीके से, कोर्ट का उसमें पॉलिटिकल आप, आप, आप सरकार को, आप सरकार के इस फैसले को स्वागत करते हुए कांग्रेस के नेता के तरफ से इंप्लीमेंट हाउ अभी तो मूवमेंट तो कर दीजिए ना, सरकार की तरफ से एक ऑर्डर दिया, अरे तो करने दीजिए ना, कहां मना कोई कर रहा है, पहले से ही आलोचना, पहले से बीएसपी एसपी कांग्रेस तरफ से स्टेटमेंट आ गए, इसीलिए कि वो प्राय वो चीफ मिनिस्टर जो आज चीफ मिनिस्टर है वो एक्टिविस्ट के हैसियत से इस तरह की घृणित कार्य कर चुके हैं, इसलिए संघ तो अब आप पहले से ही है, तो आपका प्रेजेंट नहीं होगा, ज्यूडिस नहीं है, वो व्यक्ति कह चुके हैं पहले से, चलिए ठीक, उपेंद्र जो व्यक्ति कह चुका है और उस तरह की भावनाएं रखता है वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो तो शिकायतें तो आएंगी। ठीक उपेंद्र, आप सवाल एक दूसरा जो है वंदे मातरम को लेकर के भी है, जिसका जिक्र अभी दिलीप जी कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए, आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, अब राष्ट्रीय गीत हिंदुस्तान में अगर नहीं बजेगा तो क्या बजेगा, इस बात को लेकर के बीएसपी की तरफ से कहना कि यहां बीएसपी नहीं, कई पार्टियां हैं, मैंने पार्लियामेंट को देखा कि अब वो अब उसको मतलब अगर मेरठ की मस्त की बात करें, सुनीता वर्मा ने कहा कि नहीं वंदे मातरम नहीं बजेगा, इसके इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्योंकि पहले तो ये कब जो है ये डिवाइडिव हो गया कि नहीं ये हिंदू का है मुसलमान का है या इसका नहीं है। अब दिक्कत है कि जो वंदे शब्द है इसको अभी तक लोगों ने बढ़िया से क्लियर नहीं किया है, वंदे का मतलब होता है सबको पता है, ऐसा कोई लोग नहीं है जिनको ये मायने नहीं पता होगा उपेंद्र जी, वंदे का मतलब पूजा करना नहीं होता है, वंदना मतलब है कि हम आपकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, हम आपका ये कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो वंदना का वो एक मतलब होता है कि अप्रिसिएशन है, सम्मान आपका हम करते हैं, वंदे मातरम मतलब है कि माता को सम्मान, तो किसी को सम्मान देना
पूजा करना नहीं आता, पूजा अलग मां है, को सलाम करना, सैल्यूट करना है, वही सैल्यूट करना है, सम्मान देना है, सैल्यूट। इसका बहुत लोगों ने तर्जुमा भी किया, माँ तुझे सलाम। तो तर्जुमा सही नहीं है, तो अब ये इसी पर डिबेट, इसी को पहले तो ये डिफाइन ही ना हो जाए, जैसे बोल रहे हो उपेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी तो 100 साल से ऊपर से डिफाइन करके बैठी हुई है, बढ़िया से इसको आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, नहीं आप कांग्रेस पार्टी के लोग इसको जो आजादी के अगर आप बोलते हैं तो आप इतिहास में जाइए, आज ये नहीं हो रहा है, आजादी के पहले भी कुछ क्वेश्चन मार्क उठे थे, वो और आज आप जबरदस्ती की तरफ से नहीं उठा बना रहे हैं, इस क्या तो इन दिन से राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जा रहा था क्या, इन आप इम्पोज नहीं, जबरदस्ती का इम्पोज करने की जबरदस्ती इम्पोज है, तरीके से कार्य कर रहे हैं, जबकि ये पहले कुछ लोग झंझट नहीं था, कोई स्लोगन का कोई झंझट नहीं था, लेकिन आज आप पैदा करने की कोशिश करेंगे हर चीजों में तो गलत दो बातें हैं, एक तो है कि वंदे मातरम अपने आप में, दूसरा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है जो लिखा गया हो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हो, उसमें जो वंदे मातरम का आगे है तो उसमें दुर्गा वगैरह की भी वंदना की गई है, तो नहीं पर जो पैरा जिसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला है जो दो पैरे उसमें मातरम में भारत उसमें तो उस बारे में तो कहीं जिक्र नहीं है इसका, वो उसके बाद वाले में जो दुर्गा वगैरह की जो चर्चा है ना वो बात, लेकिन वो हिस्सा नहीं है वंदे मातरम का, वंदे मातरम का जो हिस्सा है सुजलाम सुफलाम वो धरती के लिए ही है, दुर्गा माँ सुजलाम सुफलाम नहीं हो सकती है, ठीक, मतलब ये हरा भरा ये सब है वो धरती के लिए ही है, वो अलग है, चलिए कंफ्यूज कर दिया गया है, तो कंफ्यूजन दूर किया जाना चाहिए और विद्वान लोगों के द्वारा कंफ्यूजन दूर किया जाना चाहिए, ये जो खास करके जो धार्मिक टाइप के लोग हैं शंकराचार्य वगैरह हैं, ये लोग स्पष्ट करें कि भाई ये इतने दिन से लोग गा रहे थे, अब एकदम से अब जो है 2018 में बताना पड़ेगा वंदे मातरम का मतलब क्या है। पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, मायावती बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रही है, विधानसभा चुनाव के समय भी बहुत वल्गर तरीके से मुसलमानों का वोट मांग रही थी और कह रही थी कि भाई सारा वोट हम ही को दो, हमको नहीं दोगे तो तुम्हारा वोट बर्बाद हो जाएगा और बीजेपी जीत जाएगा, तो ये जो मायावती की जो पॉलिटिक्स है शुरू से ही वल्गर पॉलिटिक्स रही है, ये वल्गराइजेशन है पॉलिटिक्स, ये मायावती के द्वारा है। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए फोन लाइन पे, हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बिल्कुल जी। दिनेश जी, लाउड स्पीकर को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा मचा हुआ है और विपक्षी तमाम दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की नियत पर शक है कि वो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी जगहों पे नहीं, चर्चा सिर्फ मंदिर और मस्जिद के को लेकर के ही राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, आपकी पहली टिप्पणी इस पर। पीपुल जी, ये जो आदेश है उस सरकार का आदेश नहीं है जी, ये जो आदेश है वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और ये देश मुझे लगता है संविधान से चलता है और किसी एक धार्मिक स्थल की बात नहीं है, उन्होंने कहा, अदालत ने कहा है कि जो भी धार्मिक स्थल है और जो मानक पूरा नहीं करते हैं या बिना अनुमति के गैर कानूनी तरीके से अगर उन्होंने लाउड स्पीकर लगा रखा है तो उसके उतारने की बात की है, इसमें किसी धर्म किसी दल की बात कहां से आ जाती है मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। शकील साहब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन पर शक होता है। नहीं, अब तो शकील साहब को तो शक होगा ही, हर जगह उनको शक होगा, अब इनकी शक की बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी का विचार है। जी सुन पा रहे हैं दिनेश जी आप? गलत बोलेंगे तो आवाज समझ। चलिए लगता है उनकी आवाज जो हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, तो शकील साहब कह रहे हैं कि आपको तो शक करने की आदत है। शक करने की आदत नहीं है, उनको उस तरह के कार्य करने की आदत है जो आज तक योगी जी करते रहे हैं, अब हमको दोहराना है क्या? आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए अपने ही टीवी पर, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक बात है कि अब चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे उम्मीद और आशाएं करनी चाहिए कि जो पहले कहते और करते रहे वो अब नहीं करेंगे, अब कानून के दायरे में सब कुछ करेंगे, ये तो आशाएं रखने के लिए हर पार्टी को शंका होगी, जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे शक रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर रहे हैं, इस तरह के बिहेवियर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आप कुछ भी बनाइएगा तो उसको तो कार्य करके अमल से आपको। दिनेश जी दोबारा जुड़ गए हैं, दिनेश जी आप सुन रहे थे, जवाब देना चाहेंगे शकील साहब को, आपकी आवाज बीच में आ रही है। वही कह रहे थे, आवाज नहीं जा रही थी। जी जी, देखिए न्यायालय का आदेश है और किसी एक धार्मिक स्थल की बात नहीं कही, चीज अगर इसमें गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार का यह दायित्व बनता है कि गैर कानूनी काम को कानूनी ढंग से कैसे हो,
इसमें कहीं ये बात तो है नहीं कि मंदिर से हटेगा कि मस्जिद से हटेगा, गुरुद्वारे से हटेगा, चर्च से हटेगा। जहां भी अनैतिक रूप से इस तरह से बिना परमिशन के कहीं भी अगर इस तरह से मानकों के लोग पूरा नहीं करते हैं तो कोई भी धार्मिक स्थल वहां। अब इसमें शकील साहब को तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तकलीफ आपको ज्यादा है, हमें नहीं कोई तकलीफ हो रही है ना। तकलीफ हमें क्यों होगी? अगर आदेश है उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करें। अब सवाल जब पैदा होता है कि पहले मस्जिदों से उतारो तब मंदिरों से उतारो, तब ना प्रॉब्लम खड़ा होता है कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। ये शकील साहब पता नहीं कहां से कैसे आज समझ जाते हैं कि पहले लोग मस्जिद। अरे अभी बाइक सुनाया है आपका, आप तो अभी जुड़े हैं ना, वो सरकार के सुनाया गया है, वो सरकार के नहीं थे शंकराचार्य पॉलिटिकल। कोई भी शंकराचार्य जी कहां से बोल रहे हैं, हमें शंक है, शंका है ना। चले शंका जी, जब बोलते हो धर्म गुरु है तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। बाकी जब लोग जेएनओ में जाकर बोलते हैं तो वहाँ बोलने की स्वतंत्रता हो जाती है लोगों को, तब लोगों को तकलीफ नहीं होती है। वंदे मातरम को लेकर के भी हंगामा मचा हुआ है। बीएसपी की जो मेयर है मेरठ की, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। बीजेपी कह रही है वंदे मातरम गाया जाएगा, उसको लेकर के वहां पर लड़ाई भी हो जाती है, आपस में ही पार्षद भिड़ जाते हैं। तो ये वंदे मातरम पर ये जंग कब तक चलेगी दिनेश जी? विपुल जी, ये वंदे मातरम का गीत क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में आया है? अरे आपका तो ये है ही नहीं, आप देश की आजादी में थे कहाँ? अरे देश की आजादी में देशभक्त थे वो, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, देश की जनता थी जो आजादी के लिए सरसार होकर अपनी जान की कुर्बानी देती थी। आप तो थे नहीं उस टाइम, आपको क्या समझ में आएगा? आज राजनीति आपको समझ में आ रही है। हिंदू और मुसलमान को इसमें आपत्ति नहीं है, कुछ मुठ्ठे भर कठमुल्ले लोग हैं जिनको दिक्कत है। बाकी जब राष्ट्रगीत होता है तो लोगों को खड़े होने में दिक्कत नहीं होती है। पीर अब्दुल हमीद को राष्ट्रगान वंदे मातरम राष्ट्रगीत कहते हुए शहीद हो गए, उनको दिक्कत नहीं हुई। अरे आप दिल से पढ़िए ना, पहले आप लोग बीजेपी वाले जो देश की आजादी में थे ही नहीं वो लोग गाना शुरू करें दिल से। अभी वो तो थे ही नहीं, वो लोग तो अंग्रेजों के साथ थे ना। आपका इतिहास वही रहा है, आप कहां वंदे मातरम के आप बहुत बड़े अनुयायी बन गए। हम अपना इतिहास देश के अपना भूगोल अच्छे से बना रहे हैं। आप कहाँ जानते हैं ना, हिस्ट्री आप नहीं बनाइएगा ना। इतिहास में तो दर्ज हो गया कि आप क्या करते थे देश की आजादी के टाइम में, वो दर्ज है। अब उसको बदलने का आप प्रयास करते रहिए, नहीं बदल पाएंगे। आप क्या कर रहे थे, कितने कांग्रेस के लोग जेल में गए थे भी पता था, गांधी परिवार के लोग कितने लोग गए थे। हाँ हाँ, कैसे कौन नहीं गया था? आप इतिहास पढ़िए, इस तरह की बातें आप टीवी पर बोलते हैं बिना पढ़े लिखे। पढ़ लिख के आइए ना तब बोलिएगा। आप नहीं कह रहे पढ़ लिख लेने। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप ऐसी बात कितने लोग। आपने बताइए कि कौन लोग आपके जेल गए थे और कौन लोग माफी नामा दे दे के बाहर आ गए थे, कौन अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे जो देश के बड़े बड़े। चले मसला अंग्रेजों के जमाने की लड़ाई का नहीं है, मसला 2018 में हम बात कर रहे हैं कि वाकई में क्या ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रीय गीत को लेकर के भी विवाद होगा। शायद ही किसी मुल्क में ऐसा होता हो जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है दिलीप जी, कि राष्ट्रीय गीत पर विवाद है, गाया जाए ना गाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश आया कि अब जो है फिल्म चलने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा, उस पर भी सोशल मीडिया पे तमाम लोगों की तरफ से बहुत सारी टिप्पणियाँ आई, बहुत लोग नहीं भी खड़े होते हैं। ये किस तरह की तरफ हम जा रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान इन सबसे जो है आपत्ति है लोगों को? मैंने आपको पहले बोला जो बात अभी शकील साहब कह रहे थे, कांग्रेस के लोग आज के दिन में जो मैं उस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ती थी। ये कांग्रेस जब सत्ता वाली कांग्रेस जब से बनी है, जब सत्ता के लिए तमाम तरह से, तो इनका जो स्टैंड रहा है वो कहते हैं आप फोर्स, कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक रूप से नेचुरली लोग इसको गाते रहे हैं। आज जब इसका अभी जब वो सवाल पूछ रहे थे शकील साहब और हम सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, इसको बीजेपी और कांग्रेस से लेना क्या है इसका? लेकिन जिस तरह से बीएसपी के या ऐसे लोग जो हैं, जब तक उनका कड़ा विरोध चौतरफा नहीं होगा कि नहीं इसको मजहब से मत जोड़ो, तब तक आपको ये समस्या आती रहेगी। सवाल है कि जब आप उसको मजहब से जोड़ देते हैं, एक किसी वर्ग विशेष से जोड़ देते हैं, समुदाय से जोड़ देते हैं, क्षेत्र से जोड़ देते हैं, भाषा से जोड़ देते हैं, तब ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहां पे दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है, कांग्रेस और बीजेपी की। बीजेपी तो इनका विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी न किसी कारण से कई बार हमने देखा है किसी मुद्दे पर वो
जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो सेंट्रिस्ट लाइन लेते हुए निकलती है, जिसमें कि मैसेज जो है, जो पार्टी एक दबंगता से जिस पार्टी को बोलना चाहिए कि ये हमारे आजादी की विरासत है, इसको हर आदमी को गाना होगा, उसको उससे हत्या करके बीजेपी ले गई है। आज बीजेपी उसको जोर से कह रही है, कांग्रेस उसको पता नहीं क्या कर रही है। आज कांग्रेस के स्टैंड का समझ में नहीं आता है। एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी, फिर दिनेश जी के पास। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, गाने में कोई विरोध किसी ने नहीं कांग्रेस ने किया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है, आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा? ये आवाज देश की आजादी से गाते रहे और आज तक गाते रहे कांग्रेस के समय, इसमें कहां कोई कंफ्यूजन है? राष्ट्रीय गीत भी तो कांग्रेस ने ही बनाया है। कांग्रेस ने बनाया है, बिल्कुल बनाया है। कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन के बावजूद बदलने की, जब इसे कंफ्यूजन वहां आता है, शकील साहब शिकार हो रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं आप, नहीं 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 चल रही है, नहीं 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 नहीं, मैं उसका शिकार नहीं हूँ, शिकार हो रहे हैं, मैं उसका शिकार नहीं हूँ। मैं उस बात को कह रहा हूँ जिस बात को आपको जोर से दबंगई से कहना चाहिए, उस बात को आप धीरे से कान में कहते हैं, कहती और जिस बात को करती भी है कांग्रेस, कांग्रेस ये भी करती है, और कांग्रेस राजनीतिक उद्देश्य से हर बात को बोलते हैं, कुछ करते नहीं। कांग्रेस ये भी कहती है गाना चाहिए, कांग्रेस ये भी कहती है कि नहीं किसी पर थोपना नहीं चाहिए। तो ये आप दोनों तरफ, आप मतलब सिक्के के दोनों पहलू पे सही रहना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है, वो दिलीप जी कह रहे हैं। लेकिन दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब यहाँ हो रहे हैं आरएसएस, चलिए ठीक है। दिलीप जी, मेरा सवाल ये था कि अब यहां से आगे 100 साल बाद, अभी उपेंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि विद्वानों को आगे आना चाहिए, 103 साल बाद अगर 2018 में ये बताना पड़े विद्वानों को कि वंदे मातरम का मतलब है क्या, तो आपको नहीं लगता कि इस देश के लिए जिन लोगों ने जान दी, जो लोग इस गाने गीत को गाते गाते फांसी पे झूल गए, ये उनका अपमान है कि 2018 में हमको ये बताना पड़े इसका मतलब ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है इसका मुझे, मतलब मुझे लगता है, देखिए जो लोग इसको गाते हैं और जो लोग इसको मोहब्बत से गाते हैं, जो लोग इसको जुनून और जज्बात से गाते हैं, उनको लेके उनके मन में कहीं कोई नहीं है। उसमें कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी तमाम दलों के लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर चुनिंदे लोग हैं जिसकी मजम्मत, जिसका विरोध जो है जोर से नहीं होता है, उसमें कुछ धार्मिक कंसिडरेशन के वजह से ये होता है जो नहीं होना चाहिए। जो बात कह रहे हैं कुछ लोग, इसको धार्मिक कंसिडरेशन के वजह से हाइप भी करते हैं, तो दोनों पक्ष है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए जहां ये जरूरी है कि आप कहते थोपा नहीं, आप बिल्कुल कहिए कि हाँ ये थोपा जाएगा, ये हमारी विरासत है, ये हमारी आजादी की लड़ाई का वो स्लोगन है जिसको हर नागरिक को, जिसको भारत जो देश का नागरिक है उसको गाना होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। ये बात जब कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है और इसी बात को जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है, तब शकील भाई कहते हैं कि आप कांग्रेस को इसको थोपने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है शकील साहब? देखिए सवाल पैदा होता है, कांग्रेस को ये बीजेपी वाले सबक सिखाएंगे नहीं, चूंकि इनको अभी अपना ही सबक पढ़ने नहीं आता है। ये देश के देशभक्त है नहीं, ये देश को देश बनाने में कहीं नहीं लगे हुए हैं, देश को बिगाड़ने में और हर वैसी चीज को उठाने में जिससे देश में परेशानी पैदा हो जाए। कांग्रेस ने तो ऐसा किया है कि हर चीज स्वीकारात्मक है, स्वीकारात्मक गांधी का रास्ता वही है कि हर चीज को जनता में स्वीकारात्मक बनाने के लिए डंडा लेके जरूरत नहीं है, आप अपना प्रेम से उस बात को इंप्लीमेंट कराइए। इस देश में राष्ट्रीय गीत अगर देश की 70 साल गाई जाती है, ये जबरदस्ती कह रहे हैं कौन नहीं गा रहा है, हर जगह गाई जा रही है, ये अब जबरदस्ती का इशू है, वो गायना पूरा बीजेपी आपके टीवी के चैनल के लोगों ने, आपके मतलब कई चैनल वाले लोगों ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से गवाया, तो उन्होंने तो राष्ट्रीय गीत तक नहीं, जनगण तक नहीं गा सके, ऐसा भी आ चुका है, और वो लोग इशू बनाते हैं, इसलिए ऐसा बात नहीं है। बीजेपी का कहा है विरोध की वजह क्या है? विरोध राजनीति है, राजनीति करते रहेंगे और देश के हित में नहीं, इस तरह की राजनीति है, देश को गांधी के रास्ते पर चलाना है, गोडसे के रास्ते पर नहीं चलेगा देश। हम संसद के अंदर भी एक दो लोगों को देख चुके हैं वंदे मातरम बजते ही वो बाहर निकल जाते हैं, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं तो है, कहीं तो कोई दिक्कत ठीक है, एक आदमी कोई निकल गया आप कार्रवाई कीजिए, अगर कोई कानून है आप कानून लाइए उसके ऊपर। दिनेश जी, इस पर कानून बनना चाहिए क्या? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, कानून ऑलरेडी है, कोई आपने देखा नहीं है राष्ट्रीय गीत का कानून बन जाए, ऊपर कार्रवाई क्या बन जाए, हर चीज कानून से ही चले। अरे लोगों को भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? आप बिल्कुल बिल्कुल जो सही सवाल कर रहे थे कि आजादी के इतने दिन बाद आज इस देश में बहस हो कि राष्ट्रगान गाना है कि नहीं, राष्ट्रगीत गाना है कि नहीं, और उस दौरान खड़ा होना है कि नहीं होना है, आप कह रहे हैं आप कानून बनाइए,
आप इतने दिन से कानून बनाने की श्रेणी में बैठे हुए थे तब तो आपको कानून नहीं आ रहा है। कानून हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे और आप उलझा रहे हैं, हर चीज को उलझाते हैं, हर चीज में ऐसा नुक्ता तलाश करते हैं जिसमें वोट हो। देश की देश से आपको तो मोहब्बत और प्रेम है नहीं, इसलिए देश की आजादी में आपका त्याग नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में आपका त्याग नहीं है। आज देश कहाँ चला गया, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, देश का हाल है, बिजनेस खत्म हो गया, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है और देश को सत्ता तो आप उलझा रहे हैं। तीन साल के फेलियर जो है बीजेपी सरकार का, उसके लिए आप इस तरह के नाटक करने में आप लगे हैं, इसलिए देश कमजोर होगा और देश की जनता आपके सबक सिखाई दिया। मौलाना कहने के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे हम नहीं बंदे मातरम कह सकते, आप कह रहे 100% लोग कहते हैं, यही कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बना दिए है लोगों ने। आप बनाइए आपको भारत में इससे पहले ये कोई मुद्दा नहीं था आपको। अरे भैया डेवलप 15 लाख रुपया अकाउंट में गया, ये मुद्दा तो आपको है, आपको यही सब उलझन मुद्दा रहता है। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से इन तमाम विषयों पर सियासत बंद होनी चाहिए, कम से कम राष्ट्रीय गीत पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में लाखों लोगों ने राष्ट्रीय गीत इस शब्द को कहते हुए फांसी पर वो झूल गए, कम से कम हम उनका अपमान तो ना करें इस पर विवाद करके। दूसरा जो मुद्दा है, अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इस पर बिना किसी सियासत के जो है इसको निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पद्मावती। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको बता दें कि पद्मावती पर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ था, आखिरकार 26 कट लगने के बाद, ये डिस्क्लेमर देने के बाद कि फिल्म जो है वो पूरी तरीके से काल्पनिक है, साथ ही साथ पद्मावती का नाम पद्मावत करने के बाद, अब आखिरकार 25 जनवरी को ये फिल्म पर्दे पर रिलीज होगी। अब सवाल ये है कि तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, राजस्थान सरकार ने कह दिया है कि वो राजस्थान में अभी रिलीज नहीं होगी। यहाँ पर कई लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, करणी सेना की तरफ से, कि अगर नाम बदलने के से ही जो है पद्मावती से पद्मावत करने पे अगर चीज़ें ठीक हो जाएगी तो फिर हम पेट्रोल को गंगा जल बोल करके सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अभी भी आनी लगातार आ रही हैं। दिलीप जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, पद्मावती अब पद्मावत हो गई है, चुनाव भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, आसान होगा रिलीज़ होना या फिर आपको लगता है कि अभी कई सारे विवाद इस पर अभी बाकी है? नहीं, अभी तो चुनाव 2017 के खत्म हुए, 18 में तो कई चुनाव होने हैं और ये महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये जो 25 जनवरी रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या पे इस फिल्म को रिलीज कर जो तारीख आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं जिस पे आप कह रहे हैं, मैं तो मेरा पहले दिन से मेरा एक है कि इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट हमने पहले भी देखा है और ये आज भी बदस्तूर जारी है। जो कंपनी जिन कंपनियों ने पैसा इसमें लगाया, जो वाईकॉम मोशन पिक्चर्स जो अंबानी साहब की कंपनी है जी, तो उनके साथ कोलेब्रेशन में जो कंपनी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि बिना कोई पैसा खर्च किए हुए इतनी ज़्यादा जितनी पब्लिसिटी मिली है, शायद रिसेंट हिस्ट्री में बहुत कम फिल्म को इस तरह से पब्लिसिटी मिली है। और पब्लिसिटी को लेके जितना खर्च बचत होता है वो तो बच ही गया है और साथ ही साथ इसके लेके जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है लोगों में और बढ़ गई है। अब जब इसको कहा गया है कि ये ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, फिल्म तो वही है लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं ये ऐतिहासिक नहीं, ये काल्पनिक है और काल्पनिक है, पद्मावती नहीं है, पद्मावत है। और 26 कट 25 कट जो भी लग गए हैं, मेरा तो पहले भी था कि फिल्म है, फिल्म के तरह इसको देख के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर जिस तरह से वहां पे राजस्थान में इसका इस पे कहा गया है कि वहां पे नहीं दिखाया जाएगा, तो सरकार की मंशा क्या है वहां पे, अब मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जिस
जल्दबाजी में इसको लेकर फैसला लिया गया है, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, कई राज्यों में चुनाव है, तो ये तमाम मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और उसका इस्तेमाल है, किस तरह से आप चीजों का अपने सियासी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 26 जनवरी से पहले कुछ और हीटेड, कुछ और इस पे गर्मा गर्मी 26 जनवरी तक आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे हॉल के बाहर कुछ लोग विरोध करते हुए, कुछ इसको पब्लिसिटी मिलते हुए, जब तक ये फिल्म चलती रहेगी और इसको पब्लिसिटी मिलती रहेगी पब्लिसिटी। उपेंद्र जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से जो सेंसर बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी, जो कट लगाने थे लगा दिए, फिर राज्य सरकार राजस्थान की उस पर रोक लगाने के बजाय उनको तो सिनेमा हॉल में और सुरक्षा देनी चाहिए थी कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की और सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। सेंसर बोर्ड के अलावा तो और कोई बोर्ड होता नहीं है हिंदुस्तान में, फिर ये रोक किस लिए? देखिए, राज्य सरकार का काम है कानून व्यवस्था देखना। अगर राज्य सरकार को लगता हो कि हम कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन कर पाएंगे फिल्म करने से, तो कर सकती है। बहुत बार ऐसा किया है राज्य सरकार ने, राज्य सरकारों ने बहुत बार इससे पहले कई हाई कोर्ट के आदेश को ये मानने से इनकार कर दिया कि हम करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक कोई मामला था अयोध्या के आसपास का, तो उसमें भी ऐसा किया है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनियां का, खास करके जो रिटेल में आ रहा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया। बहुत सारे ने खुला था, अरुणाचल सेक्टर ने जो खुला था, तो उसने उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं खोलने देंगे, जबकि कानून सम्मत था। तो राज्य सरकारों के पास ये अधिकार है। ये ठीक है कि राज्य सरकार का काम है ये सुनिश्चित करना कि उसको सारे फिल्म चलाए, सुरक्षा दे, लेकिन उसको लगेगा कि अगर सुरक्षा देने की कोशिश में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, तो ये भी उस कहेगा कि वो विकल्प हमको पसंद नहीं है कि हम एक फिल्म को सुरक्षा देने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इस फिल्म को अब करणी सेना को दोबारा विचार करना चाहिए और फिल्म रिलीज होने देनी चाहिए। करणी सेना कह रही है कि पेट्रोल को गंगा जल कह देंगे। नहीं, अब तो मैं पहले से ही बोलता था कि फिल्म में अगर कुछ ऐसी भावना नहीं की गई है, और हमें नहीं लगता कि फिल्म में कुछ ऐसा है जो ऑब्जेक्शनेबल है। एक डांस है, उसकी ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो डांस नहीं करती थी, डांस करता करके दिखला दिया, तो वो बतला रहा, शायद उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। तो अगर वो हटा दिया जाए तो फिर क्या है ऑब्जेक्शन का? फिल्म किसी ने देखी नहीं है, फिल्म कोई देखी नहीं है, और जो भी जो खबरें आ रही है और जो इसका ऑब्जेक्शन है, हम लगता है कि इसका जो ऑब्जेक्शन सिर्फ इसी पर आ गया है कि पद्मिनी है जो डांस नहीं करती थी, इनमें पद्मिनी को डांस करते हुए दिखा दिया गया, यही एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। लेकिन उसमें भी अगर कुछ सुधार करने के लिए कह दिया है, क्या पता किसी और से डांस करवा दिया होगा अलग से बना करके, क्योंकि उसमें एक खबर आई है उसको चेंज करने के लिए कहा, तो फिर उसके बाद विरोध का कोई कारण नहीं है, उसमें कोई अपमानजनक बातें नहीं है पद्मिनी के खिलाफ, और राजा के खिलाफ भी अपमानजनक बातें नहीं है। उसमें एक ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छा आदमी बतला दिया गया है। तो मैंने एक फिल्म देखी है, ये 1962 की फिल्म है, उसमें भी एक अच्छा आदमी बतलाया गया अलाउद्दीन खिलजी को। उसमें दिखलाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जब जाता है हमला करने के लिए, तो उसके पहले चित्तौड़ में मिलता है उसका जो रावल है, रावल रतन सिंह से, रावल रतन सिंह के साथ खाना खाता है, फिर मेवाड़ जिंदाबाद उसके सामने बोलता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर बाद में जब पद्मिनी को देखता है वो मिरर में, फिर उसका दिल बदल जाता है। फिर जब पद्मिनी जब आत्मदाह करती है तो फिर वहां खड़े होकर बहुत पछताता है। ये सब दिखलाया है गया है उस फिल्म में। उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी को बहुत खराब आदमी ने दिखलाया गया है, दिखलाया गया उसे कुछ अच्छे गुण भी हमारे साथ है। इसमें कुछ अगर ऐसा किया गया हो तो एक फिल्म पहले से बन चुकी है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। चलो, दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बीजेपी से। हमारे साथ दिनेश सिंह लगातार बने हुए। दिनेश जी, अब ये पद्मावती को लेकर के जो अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब तो हंगामा शांत होना चाहिए या 2018 की चिंता है? क्योंकि अभी भी जो है राजस्थान ने कह दिया कि हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, तो अब तो रिलीज होने दीजिए फिल्म। विपुल जी, कभी कभी कुछ चीजों को चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जी देखिए, राजस्थान में माँ पद्मावती का जो वहाँ लोग जो मान्यता है उनको लोग देवी के रूप में मानते हैं। अगर यही फिल्म क्या दूसरे समुदाय के किसी इस तरह से किसी के ऊपर बनी होती तो क्या ये फिल्म रिलीज हो जाती? नहीं तो फिल्म, मतलब आप हिंदू धर्म को आपने क्या समझ लिया है? नहीं तो फिल्म रिलीज मत होने देते ना फिर आप। उस तरह से आप पात्रों की रचना करके आप प्रस्तुत करते समाज के सामने, और फिल्म एक आईना होता है जो समाज को एक दिशा देने का काम करता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है।
आज का यूथ जो जाता है फिल्म को देखता है तो ऐसे स्टाइल अपनाता है, वैसे करेक्टर को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करता है जी। दिनेश जी अगर 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 फिल्म देने के लिए क्या है जी, अगर दिनेश जी अगर फिल्म में इतनी आपत्ति है, क्योंकि फिल्म जिन लोगों ने देखी है वो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कई सारी चीजें अपमानजनक है या आपत्तिजनक है, इस फिल्म को रिलीज क्यों होने दे रहे हैं 25 तारीख को? हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आप कह रहे हैं देखा है, सबसे पहले तो वही गड़बड़ था, इसको जिसको देखना चाहिए था उन लोगों ने पीछे देखा और जिनको नहीं देखना चाहिए वो लोग पहले देखे। सेंसर बोर्ड के पहले भी कुछ लोगों ने फिल्म को देखा जी, उनको देखने का अधिकार किसने दिया था इस देश में, इसकी कौन सी व्यवस्था है? इसलिए अगर कोई चीज सेंसर बोर्ड करता है करता है तो फिर सेंसर बोर्ड को तय करने दीजिए, उसके पहले आप कैसे किसी दूसरे को दिखा सकते हैं? इनकी पार्टी जो है हर चीज में राजनीति, और दिनेश जी को तो समझ में कुछ बात आती नहीं, इनसे हम क्या बोले। अरे केंद्र में इनकी सरकार है और इनका सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड इनका है, अगर गलत चीजें हैं जैसे देवी और फिर इसको कॉमनलाइज दूसरे धर्म के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं? अगर इनको लगता है कि उसमें अपमान हो रहा है किसी समुदाय का या गलत चित्रण हो रहा है तो ये बैन करें, केंद्र की सरकार इनकी है, सेंसर बोर्ड को डिसमिस करे कि इस तरह की गलत चीजें क्यों पास कर रहा है, इन्होंने ही सेंसर बोर्ड बनाया है। और ये उम्मीद करते हैं हर तरफ ये सिर्फ देश में अनार्की पैदा करने का माहौल इनको बनाने का ही बीजेपी के लोग हैं, इनको सत्ता और राज करने आता ही नहीं है। पंजाब में तो अमरिंदर सिंह ने भी नहीं कह रहे तो रहे, अगर उन्होंने कहा तो मैं कहां कह रहा हूं, ये जब आप सेंसर बोर्ड ने अगर किया, इनकी संस्था है ना, केंद्र सरकार क्यों नहीं बैन करती है? केंद्र सरकार एक तरफ इनके बीजेपी के बड़े नेता जो है अपील कर रहे हैं कि करनी सेवा को अब अपील कर रहे हैं और ये कुछ अलग बोल रहे हैं। अरे तो ये भी तो मुंह मिलावे अपने नेताओं के साथ दिनेश जी, करनी सेवा सेना से अपील नहीं कर रहे हैं, ये झूठ तो बहस कर रहे हैं, ऐसे वैसे बात मत क्या कीजिए, हर प्रवक्ता अलग अलग बात मत कीजिए। आपके केंद्र में सरकार है और आप हर चीज को उलझाते हैं और देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बंद कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप बैन कीजिए। अगर इतनी खराब चीज आपको लगती है हिम्मत आपने बंद करने बैन करने की, वो भी हिम्मत नहीं है। सेंसर बोर्ड को डिसमिस कीजिए, उसने कैसे पास कर दिया, उसमें कट लगा दिया जो अगर कुछ आपत्तिजनक था तो। इनको अभी भी लग रहा है ना आपत्तिजनक, तो सेंसर बोर्ड खत्म करें, सब कुछ खत्म करें और आरएसएस के ऑफिस में एक तो सेंसर बोर्ड बना दिया, फिल्म उद्योग तो चलेगी नहीं, सब वहां से पास करवाइए, अपने घर से पास कराइए, दिनेश जी अपने घर में एक रख लीजिए सेंसर, वहीं से पास कराइए, आप देश के कानून को। सुन लीजिए लास्ट कमेंट उनका सुन लीजिए जी, दिनेश जी बहुत संक्षेप में आपका लास्ट कमेंट। शकील साहब जिससे मैं कह रहा था जी, कि अभी दूसरे धर्म के साथ इस तरह की बातें हुई होती तो ना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के ना बात कर रहे होते, यहाँ धर्म कहाँ से आ गया? एक अरे भैया मुगले आजम भी बनी थी काल्पनिक, उसमें ऐसी चीजें इतिहास से अलग बना दी गई। आप भाषण मत दीजिए, आप यही कह रहे हैं धर्म का नाम लेके आप राजनीति कर रहे हैं, एक फिल्म पर भी धर्म, उस धर्म इस धर्म, अरे फिल्म पद्मावती बनी है, अगर सही है तो पास कीजिए दिखवाइए, अगर गलत है तो रोक लगाइए बैन लगाइए, हिम्मत है नहीं, खाली देश को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं, बोलते हैं कम बोलिए, कैसे कम बोलेंगे, देश को तबाह होने देंगे आपके हाथों? चलिए चिंता कम से कम आपको करने की जरूरत नहीं, सकिल साहब आप क्या करेंगे, आप कीजिएगा, आप देश को बर्बाद करेंगे, आपका शुक्रिया दिलीप जी, राइट है क्या, आपने पूरा देश का राइट ले लिया है, चलिए चलिए चलिए, आजादी में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, समय समय समाप्त हो गया आपकी पार्टी से जी। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। दिलीप जी लास्ट कमेंट आपका इस पूरे विषय को लेकर के, इस पूरे विवाद को लेकर के, ये माने कि 25 तारीख को जब फिल्म रिलीज होगी तो तब ये पता लग जाएगा कि असली बेनिफिशियरी कौन रहा, असली अगर जो इन्वेस्टर रहे फिल्मों के, वही कुछ अगर और पॉलिटिकल माइलेज निकाला जा सकता है किसी भी तरफ से तो उसकी पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी, और असली बेनिफिशियरी जो है वो तो कंपनी होगी जिन्होंने फिल्म बनाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, शकील साहब आपका, उपेन जी आपका और दिनेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटनाचक्र को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और देखते हैं 25 तारीख को फिल्म आएगी और निश्चित रूप से जो इन्वेस्टर हैं फिल्म के वही सबसे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। देखना है 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़ के क्लब में शामिल होती है, सबकी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। फिलहाल घटनाचक्र में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी, नमस्कार।